तो दोस्तों, आज हम डॉक्टरों की काली करतूत का भंडा फोड़ने वाले हैं। कोरोना काल में डॉक्टर ने जो भी झूठ फैलाया है, आज हम उससे पर्दा उठाने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें एवं लाइक ज़रूर करें, ताकि लोगों को डॉक्टरों की काली झूठ का पता लग सके। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, जब किसी भी कोरोना मरीज को हॉस्पिटल में क्वारंटाइन किया जाता है 7 या 8 दिन के लिए, तो उस मरीज़ की देखभाल के लिए सरकार कितना पैसा देती है? शायद आपको ये पता नहीं होगा, लेकिन दोस्तों हम आपको बताते हैं। उस मरीज की देखभाल के लिए सरकार प्रति मरीज 1 से 1.5 लाख रुपए देती है। अगर मरीज की स्थिति ज़्यादा गंभीर है तो 1.5 लाख सरकार देगी, और अगर मरीज ठीक है तो उसका 1 लाख रुपया देगी सरकार। तो दोस्तों, सरकार ये तो देखने आती नहीं है कि जो मरीज कोरोना की वजह से हॉस्पिटल में जो भर्ती हैं, उनको सच में कोरोना है या नहीं। डॉक्टर लोग रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्ट में पॉजिटिव लिख देते हैं। दरअसल दोस्तों, जिन लोगों को डॉक्टर कोरोना बता देते हैं, दरअसल उनको कोरोना होता ही नहीं है। मामूली बुखार और जुकाम के लक्षण होते हैं। और आप खुद सोचिए, अगर उस आदमी को कोई दवाई नहीं दी जाएगी तो आदमी कैसे ठीक हो जाता है अगर वो कोरोना वाला हो। दोस्तों, हमारे देश में बहुत ज़्यादा ये मामले सामने आ रहे हैं। डॉक्टर लोग जब रिपोर्ट करते हैं मरीज की, तो ये सबसे बड़ी बात है, ये मरीज को रिपोर्ट नहीं देते हैं, रिपोर्ट अपने पास रख लेते हैं। और जब मरीजों को हॉस्पिटल में क्वारंटीन किया जाता है 8 दिन के लिए, तो उन लोगों को ऐसा खाना दिया जाता है कि 8 दिन में आदमी पर 2000 रुपये भी खर्च नहीं आते होंगे। तो आप सोचिए, वो 1 लाख रुपये जो मरीज के लिए आता है सरकार की तरफ से, वो कहाँ जाता है? वो जाता है दोस्तों डॉक्टरों के पास। और 8 दिन के बाद मरीज बिना दवाई के अच्छा खासा हो जाता है। तो दोस्तों, आप डॉक्टरों की इन काला बाजारी को ध्यान से समझें, फिर आप इस डॉक्टरों की इन ये जो हरकतें कर रहे हैं, इनके खिलाफ हमें सबको मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर जरूर करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।